चल यार फटाफट रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, यस रेडी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं कि मैं तैयार हूँ बिल्कुल, स्टूडियो से चला आ रहा हूँ ये बुलेटिन करके, जिसमें आप सबने को बताना वो आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो दूसरी बार बनी, उसके 100 दिन पूरे हो गए हैं, और इन 100 दिनों में सरकार कतई भी सेलिब्रेशन करने के मूड में नहीं दिखाई दी, बल्कि काम करने के मूड में दिखाई दी। अमूमन शुरुआती 100 दिनों में सरकार के कामकाज के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन इतने सालों की मेरे करियर के एक्सपीरियंस में मैं कह सकता हूं कि पहली ऐसी सरकार है जो पहले 100 दिनों के अंदर बहुत जल्दबाजी में काम करती हुई दिखाई दे रही है, और शायद इसके लिए हमको उस सरकार की तारीफ भी करनी चाहिए कि डे वन से 23 मई को चुनाव जीता, 30 मई को शपथ हुई, और आज हम 5 सितंबर को हैं। इस 100 दिन के कार्यकाल के समय में जिस तेज़ी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काम किया, उनकी सरकार ने काम किया, वो वाकई में सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। कुछ बड़े मुद्दे हैं जिस पर आप जानना चाहेंगे कि देश की आवाम क्या सोच रही है, क्योंकि हमने जो सर्वे कराया वो अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया का है। सी वोटर एजेंसी ने इसको किया है, करीब 11,500 लोगों से इसमें बात की गई है देश भर से, और कुल मिलाकर जो निचोड़ सामने आता है, हर मुद्दे पर बात है। अर्थव्यवस्था पर बात है, 370 पे बात है, 3 तलाक पे बात है, पाकिस्तान के साथ संबंधों पे बात है। उनके कुछ बड़ी बड़ी बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, जिसको आप देखना और सुनना चाहेंगे कि देश की जनता 100 दिनों के बाद भी मोदी सरकार को कैसे आंकती है, कैसे उनका विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है। तो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जो आप इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री कौन होंगे, अगर मैं आपको 4 नाम दूं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, तो आप क्या कहेंगे? आप ज़रूर सोचिएगा, लेकिन देश की जनता को ये लगता है कि बीते 72 साल के आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उभर कर आए हैं। नरेंद्र मोदी को करीब 65 से 67% एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं, तो जो आंकड़े हैं हमारे पास, जो 67% लोग जो रेस्पोंडेंट हैं, वो नरेंद्र मोदी को सबसे मजबूत पीएम आज़ाद हिंदुस्तान का मानते हैं, यानी नेहरू से भी ज़्यादा, इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात, अटल बिहारी वाजपेयी से भी ज़्यादा आज का वोटर नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहा है। तो सबसे मजबूत पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को 67% वोट मिले, जो कि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मेरी दिक्कत जो इसमें हुई ना, जो बाकी 3 नाम दिए थे, नेहरू, इंदिरा गांधी और वाजपेयी का, उसमें वाजपेयी और इंदिरा गांधी के बीच टाई हुआ है, यानी आज की जनरेशन इंदिरा गांधी को भी समकक्ष तौर पर बराबरी के तौर पर मजबूत नेता मानती है, क्योंकि शायद बांग्लादेश का बड़ा फैसला इंदिरा गांधी के रिजीम में हुआ था, जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। तो 67% लोग हैं मोदी के पक्ष में, 10-10% लोग हैं वाजपेयी और इंदिरा गांधी के पक्ष में, और 7% लोग हैं नेहरू को मजबूत पीएम मानने वाले। अब क्यों मजबूत मानते हैं सबसे अधिक नरेंद्र मोदी को, उसको लेके अगला सवाल पूछा गया। सवाल ये पूछा गया कि क्या इन 100 दिनों के कामकाज में सबसे महत्वपूर्ण फैसला इस सरकार ने क्या किया, सबसे बड़ा काम क्या हुआ है। 54% लोग 370 को ख़त्म करने को कहते हैं, 54%। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दीजिएगा, उसके जवाब में देने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस जो सर्वे किया गया सी वोटर के द्वारा, उसमें 54% लोगों ने माना कि सबसे बड़ा काम 370 का खात्मा इसको देते हैं। 22% लोग आतंकवाद के खिलाफ जो मजबूत कानून बना है, UAPA में जो अमेंडमेंट किया गया है, उसको दूसरा बड़ा फैसला मानते हैं। तीसरे फैसले पर 3 तलाक के ऊपर जो पाबंदी लगी है, 6% लोग उसको मानते हैं, और 4% लोग मोटर व्हीकल एक्ट में जिस तरह का जुर्माना बढ़ाया गया है, सज़ा बढ़ाई गई है, जो आजकल खूब सुर्खियों में भी है, उसको 4% लोग मानते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि 370 को ख़त्म करना बड़ा फैसला है। एक और इससे जुड़ा सवाल जो हमने पूछा गया, जो हमने हिंदुस्तान की पूरी आवाम से पूछा, कि 370 के हटने से क्या जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार बहुत प्रचारित प्रसारित कर रही है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए ऐसा किया गया है, क्या आम जनता को ऐसा लगता है? जब ये सवाल जनता के सामने रखा, तो 73% लोगों ने कहा कि हाँ, जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होगा, 6% ने नहीं कहा,
और पता नहीं कहने वाले 21% लोग थे, यानी मैक्सिमम लोगों को लगता है और वही करीब 3/4 के आसपास वोटर्स को लगता है कि इससे जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होने वाला है। आपकी क्या राय है इस सवाल पर, ज़रूर कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय हमको भेजिएगा, जिसके जवाब में देने की कोशिश करूँगा। अब क्योंकि कश्मीर का मामला हो गया, पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट मची हुई है, आप देखते होंगे रोज़ बयान आते हैं इमरान खान और उनके तमाम मंत्रियों के, उस पर उससे जुड़ा अगला सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। सिंपल स्ट्रेट सवाल था, क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, 50% लोग बोल रहे हैं बातचीत नहीं होनी चाहिए, यानी करीब आधी पॉपुलेशन ये कहती है जिनसे हमने बात किया कि बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं होनी चाहिए। 37% एक अच्छा साइजेबल नंबर है जो कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, 13% की इसमें कोई राय नहीं है। अगला सवाल था कि क्या पीओके को भारत में लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हम उसको कहते हैं। 79% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, क्या भारत सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि पीओके पे जो पाकिस्तान का अनाधिकृत कब्जा है उसको ख़त्म किया जाए और भारत का वहाँ पर शासन कायम हो। 79% 7% लोग मना करते हैं और 14% लोगों ने जवाब का इस सवाल का जवाब नहीं दिया। तो 79% लोग कह रहे हैं पीओके पे कब्जा करना चाहिए। एक और टॉपिक था जिसको लेकर मोदी सरकार बार बार कह रही है और लोग बाग भी कहते हैं कि ये बड़ा काम कर दिया, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में है। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं ट्रिपल तलाक की बात कर रहा हूँ। ट्रिपल तलाक बैन कर दिया गया है, 3 विधानसभाओं में चुनाव आ रहे हैं, फिर उसके बाद दिल्ली में अगले साल चुनाव होने हैं। क्या इसका फ़ायदा मोदी सरकार को होगा, बीजेपी को होगा? हाँ कहने वाले 64% हैं। तो 64% लोगों को ये लगता है कि मोदी सरकार को ट्रिपल तलाक को बैन करने का फ़ायदा मिलने वाला है। 13% ने कोई जवाब नहीं दिया, 13% ने नहीं कहा, 23% ने कोई जवाब नहीं दिया। आपकी क्या राय है, क्या ट्रिपल तलाक के हटने से मोदी सरकार को या बीजेपी को फ़ायदा होगा चुनावी तौर पर? तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अगला सवाल, क्योंकि तमाम सवालों के तमाम फैसलों के पीछे एक दूसरा बड़ी शख्सियत थी अमित शाह की, गृहमंत्री हो गए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सवाल पूछा गया जनता से उनका नाम लिए बगैर कि मोदी सरकार के सबसे लोकप्रिय मंत्री कौन से हैं। कुछ ऑप्शंस दिए गए जिसमें अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे और स्मृति ईरानी थी। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानियों ने जो हमारे पोल में हिस्सा ले रहे हैं उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, 51%, 51% ने कहा कि अमित शाह सबसे लोकप्रिय इस वक्त मोदी सरकार के मंत्री हैं। और शायद इसलिए कि UAPA का अमेंडमेंट हो या 370 की बात हो, ये तमाम फैसले गृह मंत्रालय से निकल कर आए हैं और अमित शाह के भाषणों की जो हुए हैं लोकसभा राज्यसभा में, उससे उनके मुरीद उनके फैंस बड़े हैं। राजनाथ सिंह को 5% लोग पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर नाम आया नितिन गडकरी का, जिनको 17% लोगों ने पसंद किया है, और तीसरे नंबर पर स्मृति ईरानी, जिनको 13% ने पसंद किया है। तो अमित शाह 51, नितिन गडकरी 17, स्मृति ईरानी 13 और फिर राजनाथ सिंह 5%। आपकी क्या राय है सबसे लोकप्रिय मंत्री के बारे में, वो आप ज़रूर लिखिएगा। एक और बड़ा मुद्दा जिसको लेकर आम हिंदुस्तानी आजकल बहुत परेशान चल रहा है, वो है आर्थिक सुस्ती को लेकर, इकोनॉमिक स्लोडाउन को लेकर। ये सवाल भी पूछा गया कि इस मंदी की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है। आप भी जानना चाहेंगे देश के जनमानस क्या कहते हैं कि हमने 4 ऑप्शन दिए, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, वैश्विक मंदी जिम्मेदार है, दूसरे बाजारों का असर हो रहा है इसलिए जिम्मेदारी है, या पता नहीं है आपको। आपको जानकर आश्चर्य होगा ज़्यादातर हिंदुस्तानियों ने जो इस हिस्से में जिन्होंने इस पोल में हिस्सा लिया उन्होंने पता नहीं कहा। 36% लोगों को पता नहीं है कि आर्थिक स्लोडाउन इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों आया है, पर मोदी सरकार को ब्लेम 26% लोग कर रहे हैं इस आर्थिक सुस्ती के लिए, आर्थिक इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए। इसीलिए वैश्विक मंदी को 15% लोग जिम्मेदार मानते हैं और दूसरे बाजार के असर को 17% लोग जिम्मेदार मानते हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय है इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए, उनको कटघरे में उनकी जनता खड़ा कर रही है, तो सरकार को तवज्जो देनी होगी, जो दी भी है पिछले 2 हफ्तों में, कुछ और नए रिफॉर्म्स के अनाउंसमेंट भी करने होंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा गया कि आम हिंदुस्तानी को क्या लगता है इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आपको याद होगा भ्रष्टाचार की बात क्या है कि 2014 में यूपीए को हराकर बीजेपी आई थी, नरेंद्र मोदी आए थे,
लेकिन वो भ्रष्टाचार का मुद्दा अब टॉप प्रायोरिटी पे जनता के लिए नहीं रह गया है। जी हाँ, वो टॉप पे नहीं है। सबसे इसमें आश्चर्य की बात यह है कि सबसे बड़ी समस्या को बेरोजगारी को नंबर मिले हैं। बेरोजगारी यानी भारत सरकार, मोदी सरकार के लिए चिंता की बात है। 25% लोगों को लगता है कि बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, और अगर ये समस्या जनता मान रही है तो मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को इस मोर्चे पर जनता के मन को जीतना आवश्यक होता जा रहा है। 10% लोग गरीबी को जिम्मेदार मानते हैं, 7% लोग भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या मानते हैं, और बिजली, पानी, सड़क जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो 5% लोग मानते हैं। तो 25% बेरोजगारी, 10% गरीबी, 7% भ्रष्टाचार और 5% बिजली, सड़क, पानी। तो ये मोटे मोटे इशारे हैं आर्थिक मंदी को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है उस पर मोदी सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, लोगों का विश्वास जीतने की ज़रूरत है। बाकी मोर्चों पर सरकार को आप सफल कह सकते हैं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर सरकार को अभी और कमर कसने की सख्ती से ज़रूरत है। ये देश की जनता भी समझ रही है, और ये बात शायद हम सबको इस बात का एहसास भी है कि सरकार ने कुछ कदम लिए हैं, पर उन कदमों का असर होने में टाइम लगेगा। लेकिन तब तक के लिए सरकार को ये ब्लेम, ये दोष तो अपने सर पर लेना होगा, इस दोष को लेकर झेलना होगा, और कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे जिससे देश की जनता को फायदा हो। तो ये मोटा मोटी सी वोटर का सर्वे, 11,000 से अधिक रिस्पोंडेंट। अमूमन हमने सीटें नहीं पूछी कि आज की तारीख में चुनाव हो तो कितनी सीटें जीतेंगे, लेकिन जिस तरीके से सबसे मजबूत पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को 67% लोगों ने कहा है, तो यानी कि अगर इसको आप सीटों में तब्दील करें, 543 का 67% तो लगभग इतना ही आता है, 300 के आसपास। तो 100 दिन के कामकाज के बाद भी हम ये कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार अपनी लोकप्रियता को कायम रखने में अपने कामकाज की वजह से अभी तक सफल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।